हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है, मैंने कट ऑफ भी बता दिया, फिर भी आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मेरे वीडियोस पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर कि सर या भैया जो भी आप बोलते हैं कि हमारा जो इतने मार्क्स आ रहे हैं क्या हम मीन्स की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हालांकि मैंने कट ऑफ आपको बता दिया है कि इतना तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और उसमें मैंने ये भी बोला था प्लस माइनस थ्री करके आप चल सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मैं अभी भी स्क्रीन शॉट उसका लगा देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा PDF इसका डाल रखा है कि किस किस तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं वेरी कर रही है, पूरा PDF डाला हुआ है टेलीग्राम पर, नीचे लिंक है उसका, आप जाके जो है देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मैं मीन्स की तैयारी करूँ, है ना। तो काफ़ी सारे असमंजस की स्थिति में। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो मैंने कट ऑफ बताया अगर उसके प्लस माइनस थ्री तो मैंने बोला ही, तो आप प्लस माइनस ऐसा करिए 6 या 7 ले लिए, ठीक है। मतलब उसके अगर आसपास भी रेंज में ना 2-3 नंबर का अगर गैप भी आ रहा है तो आप बिल्कुल मेंस में लग जाइए, क्योंकि मेंस पढ़ने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं, क्योंकि इसका क्या हुआ जो मेंस का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट प्री के बराबर है, ऑलमोस्ट प्री मतलब प्री ही है एक तरीके से। अगर आपको मान के चलिए आपने SSC CHSL का फॉर्म भरा हुआ, तो अगर आप उसको प्री निकालना है, और अगर आप SSC CGL का मेंस पढ़ लेते ना, तो उसका प्री कुछ नहीं लगेगा, आपको अलग से उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, और उसका प्री निकलेगा उसका आप मेंस पढ़ोगे तो वो मेंस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा फिर MTS की वैकेंसी निकली हुई होगी या और भी कोई आपने फॉर्म भर रखा होगा, तो वो सारे आपका अगर आप ये तैयारी कर लेते हैं मेंस की, तो उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे, तो आपका नुकसान कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो कट ऑफ था। अब मैं चलिए आपको बता दूँ कि कितने नंबर अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल मेंस में लग जाइए, ठीक है। तो अगर जनरल से है 105 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं ना, 105 के आसपास, तो आप बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। अब इससे मतलब 100 तो देखिए बहुत कम हो जाएगा, 100 यार हाँ हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े हैं, पर 100 बहुत कम हो जाता है यार, मतलब इतना भी कम कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि कंपटीशन भी तो बढ़ा है। वैकेंसी हालांकि देखिए अभी ऑफिशियल जो वैकेंसी वो 20,814, 30,000 अभी नहीं हुई है। अगर 20,814 के हिसाब से देखें तो 105 ठीक है। हाँ, अगर वैकेंसी बढ़ के 30,000, अभी देखिए RTI रिप्लाई के माध्यम से आ चुका है, अगर होती है 30,000 तो ये कट ऑफ 100 तक चला जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप फिर भी आप 100 प्लस आ रहे हैं तो आप कर ही लीजिए, ठीक है। मतलब आपको डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ना तो है ही है ना, अब आपको सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें काम नहीं आएगा दूसरे में आएगा, क्योंकि पैटर्न SSC का जो पैटर्न होता है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम वाले जो होते हैं वो इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप UR से हैं और 105 बनना है, और बाकी ऑल नीचे वाले कैटेगरी के, अगर आपके ST की अगर बता दूँ लोएस्ट है, तो ST में अगर आपके 75 बनना है ना, 75, तो आप तैयारी कर दिए, और जनरल में 105 के आसपास बनना है ना, 102, 103, 104, तब भी आप जो है तैयारी लग जाइए, ठीक है। इससे ऊपर वाले तो करेंगे ही करेंगे, 105 से ऊपर वाले, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया है तो बिल्कुल आप लग जाइए, और अभी से लगे, और आपको ढेर सारा कंटेंट चाहिए कि कहाँ से मैं खुद ही सेल्फ स्टडी कर लूँ, 4 से 5 घंटे मात्र पढ़ के और मैं निकाल लूँ, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं टेस्ट बुक के। यहाँ पर आपको लगभग 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं Tier 2 के, ओनली Tier 2 के बता रहा हूँ, Tier 1 के तो है ही है, Tier 2 के 250 से ज़्यादा, लगभग 300 के आसपास मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको, सेक्शन वाइज मिल जाएंगे, मॉक चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको, Tier 2 का फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर जो आए थे मैथ और इंग्लिश के वो मिल जाएंगे आपको, तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अभी शायद इस पर विंटर, तो दोस्तों लाइट जा चुकी है, ठीक है, तो आप वो मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं, और इस पर अभी ऑफर चल रहा है, शायद विंटर सेल कुछ चल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और आपको इस पर डिस्काउंट चाहिए ना, इस पर भी डिस्काउंट चाहिए, वही लोएस्ट प्राइस चल रहा है अभी, इस पर भी चाहिए, तो मेरा कूपन कोड V1NW47 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जब भी आप परचेस करें तो इसको डाल देंगे तो 40-50 रुपये और आपको ऑफ मिल जाएगा। नीचे लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट बुक का, हालांकि मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पर मैं बहुत सारी PDFs वगैरह डालते रहता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आप बिल्कुल मीन्स में अभी से लग जाइए, बाकी वीडियो चलाओ लाइक कर देना, इसी तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।